ये वो चार एनर्जी फील्ड्स, मेजर एनर्जी फील्ड्स डेवलप हुई। अब उसके बाद इनके साथ ही डेवलप होती हैं डायगनल्स पर एनर्जी फील्ड। डायगनल्स नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन डायगनल्स पर दो दो एनर्जी फील्ड डेवलप होती हैं। अब नॉर्थ की साइड पर जो एनर्जी फील्ड डेवलप होती है वो है आपहा और आपवर्स। तो ये दोनों एनर्जी फील्ड्स हमारी हेल्थ एंड इम्यूनिटी के लिए, हमारी हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर जो साउथ की साइड में एनर्जी फील्ड डेवलप होती है वो है सविता और सवित्र। सविता है वो जो इनिशिएट करवाती है, जो स्टार्टअप देती है, पावर ऑफ मेडिटेशन देती है, किसी चीज में ध्यान लगने की जो शक्ति है वो सविता से आती है। फिर है सवित्र। सवित्र, जैसा कि नाम से पता चलता है, वित्र वित्र यानी कि वो वितरण करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, वो जो एनर्जी फील्ड है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, तो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो सवित्र है, जो सही रिसोर्सेज को टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है, ये वो देवीय शक्ति है। गायत्री मंत्र का जो ओरिजिन है वो भी इसी शक्ति से माना जाता है। फिर आती है साउथ वेस्ट में दो शक्तियां डायगनल पर, और वो है इंद्र और जया। इंद्र, इंद्र वो अगर आप इसको भी ठीक से समझे, शब्दों को अगर आप ध्यान दें, तो इंद्र हमारी इंद्रियों को रिप्रेजेंट करता है। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और पांच ही कर्मेंद्रियां हैं, और ये इनका जो मैनेजर है वो है हमारा माइंड। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी अटेंशन को भी रिप्रेजेंट करती हैं, ये जो इंद्र जो शक्ति है। अगर हमने अपनी इन दसों इंद्रियों को सहेज लिया, अपनी अटेंशन को इररिलेवेंट से हटा दिया और पूरी तरीके से राइटली चैनलाइज कर दिया, तो हमें वो स्थान मिलता है। जैसे कि इंद्र तो देवताओं के राजा कहे गए हैं, तो वो जो सिंहासन 32 जिसे कहा जाता है वो मिलता है। और इनके साथ जो एनर्जी फील्ड है वो है जय। अब जय को भी अगर आप इस तरीके से देखें कि जय वो अस्त्र है। अस्त्र क्या? जब आप अपनी अटेंशन को अपनी हर तरफ से समेट कर जब उसको सहेज लेते हैं, तो वो आपके लिए आपका विजय अस्त्र बन जाता है, विनिंग टूल बन जाता है। उसी तरह से जैसे कि अगर कोई कोई पेंटर है, तो उसके लिए उसके अस्त्र क्या हुए? उसके अस्त्र हुए पेंट्स हैं, ब्रशेस हैं। तो वो अगर यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर वो प्रैक्टिस करेंगे, उसकी अभ्यास करेंगे, विद्या अभ्यास का जोन भी है ये हमारा, तो वो विजयी हो सकते हैं, विक्टोरियस हो सकते हैं। इसी तरीके से बच्चे हैं तो बच्चों की बुक्स यहाँ होनी चाहिए हैं। अब हम अगर हम लोग महावास्तु के पढ़ते हैं, हम लोग उसकी नॉलेज को आगे फैलाते हैं, तो हमारे लिए हमारा विनिंग टूल क्या है? हमारे लिए विनिंग टूल है हमारा शक्ति चक्र, कंपास। तो अगर वो हम यहाँ रखते हैं तो हम उस पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए ये देवता एनर्जी बहुत जरूरी है। फिर जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ डायगनल पर ही दो एनर्जी फील्ड आती हैं, वो है रुद्र और राजयक्ष्मा। रुद्र है कंट्रोलर ऑफ पल्सेशंस, ये विल पावर और डिटर्मिनेशन भी देता है। नेगेटिव इमोशंस को फ्लो करवाकर हमारा जो आधार है, जो बेस है, वो मजबूत करता है। और राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा एक ऐसी एनर्जी फील्ड है जिसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यक्ष्मा अगर आप ध्यान दें तो वो टीबी की बीमारी है, क्षय रोग जैसे कहते हैं ना। तो क्षय का मतलब क्या होता है? क्षय का मतलब है जो चीज डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है। तो जब ये एनर्जी फील्ड कम हो जाती है या इम्बैलेंस हो जाती है, तो वहां पर टीबी या एडिक्शंस जैसी प्रॉब्लम होती हैं, जिससे कि आपकी जो फिजिकल और मेंटल पावर्स हैं वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। तो
इसलिए इन देव शक्तियों का, इन एनर्जी फील्ड्स का बैलेंस होना कितना जरूरी है। तो ये तो बात हुई हमारी इन एनर्जी फील्ड्स की। अब बाकी बचती हैं हमारी 32 एनर्जी फील्ड्स।